सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरजीत सिद्धू है जी। सर कहाँ से आए हो आप? मैं लुधियाना राहों रोड बस्ती जोधेवाल से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जी पीरों को मानता था और वो एक गुरु भी बना रखा था पीरों को मानने वाला, जो कि पीरों को मानते ही हैं। तो उसके बाद अपने माता के जगराते भी करवाते थे, जागरण वगैरह, तो यही साधना करते थे जी। सर जब आप इतनी सारी पूजाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है जी, बहुत लंबी है, सुनाऊँ तो शॉर्टकट ही बताऊँगा। तो हमने 2.5 साल संत रामपाल जी महाराज जी का साधना चैनल के ऊपर सत्संग सुनता था, मैं डेली मैं सुनता था। तो मैं सत्संग सुनते सुनते इतना परमात्मा का ज्ञान अंदर रिफीट हो गया कि जो देवी देवताओं को परमात्मा बताते, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इनसे ऊपर कोई परमात्मा है। जो परमात्मा संत रामपाल जी ने ज्ञान दिया उससे हमारी आंखें खुली भी, हम तो सारा गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो उसके बाद हमने तो मन बना लिया, मैंने 2.25 साल ही संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल के ऊपर सत्संग सुना रेगुलर ना। मैंने जब 13 जून 2014 में संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया। सर हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको बहुत सारे लाभ मिले, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? मेरे साथ देखो जी, एक तो ऐसा था कि बीमारी तो चलो परमात्मा की दया से कोई नहीं ऐसी थी, लंबी नहीं थी, छोटी मोटी बीमारी थी, तो परमात्मा की दया से शरण में आने से संत रामपाल जी महाराज जी के वो भी बिल्कुल दूर हो गई छोटी मोटी बीमारी जो थी। मेरे एक जीभ में छाला हो जाता था खून का कट्ठा, तो वो 2-3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली कुछ खाना भी नहीं था हो जाता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हुए मेरे को 5 साल हो गया, आज तक नहीं वो दोबारा हुआ। उसके बाद मेरे बच्चे का एक एक्सीडेंट हुआ था मारुति 800 से, जो कि इतना भयंकर था कि अगर उसकी 1 फुट गाड़ी आगे निकल जाती तो बस के साथ उसका टक्कर हुआ था, वो बस पलटी करके उसको मार देती। लेकिन परमात्मा की दया से उस दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि परमात्मा कबीर देव जी खुद अपना वेश बदल कर उसके सामने ऐसे हाथ कर रोक के खड़े हैं। तो उसने जिसकी उसकी गाड़ी एकदम जहाँ ही रोक गई। क्या कबीर साहब जी को आपके बेटे ने देखा उस समय? हाँ जी बिल्कुल देखा। उसने जब कैसे बताया मेरे को जाके, हम घर पे थे, वो अकेला था बेटा गाड़ी में। तो क्या हुआ कि जब गाड़ी मेरे को बेटे ने मेरे को फ़ोन किया, पापा गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया, बस में लग गई। तो मैं क्या चलती है, कहता देखता हूँ, चलती नहीं है, कहता चलती नहीं है। मैं क्या ज़्यादा लगी होगी, थोड़ी तो नहीं लगी है ना, तो कहता आगे देख लो। थोड़ी दूरी थी रोड पे, हम भागे भागे गए रोड पे, जाकर देखा तो पूरी भीड़ इकट्ठी हुआ था, भीड़ इकट्ठा हुआ था। क्या देखा कि मैं ऐसे गाड़ी को नीचे देख रहा हूँ, तो गाड़ी को देख रहा, मैं कहा आप बच कैसे गए हो? बेटे को बोला कि आप कैसे बच गए हो, इतना भयंकर आप बोलता, थोड़ी सी गाड़ी लगी है, गाड़ी इतनी जोर जबरदस्त लगी थी कि उसकी लाइटें आगे की है ही नहीं, बम्पर बम्पर पता ही नहीं कहाँ है, चकनाचूर हो गया मोरे। तो गाड़ी उसकी जहीं की जहीं खड़ी है बिल्कुल। तो जब मैंने देखा जाकर, तो उसको मैंने सोचा कि परमात्मा की दया है, परमात्मा संत रामपाल जी ने आज बचा लिया इसको। इतने को देर में क्या हुआ कि परमात्मा कबीर देव जी ऐसे जैसे आसमान से कोई इंसान आता है ऐसे उतर के आए। क्या मांगा आगे, पहले मेरी भक्तमती मेरे साथ खड़ी है और इतनी भीड़ भी लगी है, तो क्या देखते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा चाय पीना है, एक चाय का कप पीना है। तो भक्तमती बोलती कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं चाय कहाँ से पिलाऊँ, है ना, हमारे तो बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो मैं ऐसे मुंदा होकर पीठ पर, तो गाड़ी को देख रहा, क्या देख रहा हूँ, वो जो कबीर परमेश्वर थी मेरे पीठ पे आगे हाथ मारा। इतनी भीड़ के बीच में जिसका नुकसान हुआ उसी को ऊपर आके बुलाया जाएगा। तो मेरे को बोलते हैं कि बेटा चाय का कप पीना है। तो मेरे अंदर ऐसा प्रभाव आ गया, एकदम गुस्सा था
भी ये हो गया गया, तो मैं क्या बोल दिया मन में उस पर, उसी टाइम बोल दिया कि बाबा आपको चाव की पड़ी है, मेरा इतना नुकसान हो गया है। तो परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी ऐसे बोले कि बेटा शांत शांत, परमात्मा सब ठीक करेंगे। तो इतने में क्या देखा, पीछे देख मुड़ के देखा तो सब कुछ गायब, मुड़ के वो झलक नहीं दिसी हमको, ऐसे परमात्मा के दर्शन हमको हुए। सर और कोई लाभ? लाभ और ऐसे कि देखो घर बार सारा परिवार सब ठीक है परमात्मा की दया से, कोई कष्ट नहीं है, परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, बहुत दया है मालिक की। सर बहुत सारे लोग हैं वो ये मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, उनसे नाम दीक्षा क्या लेना, तो सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जगत को हम बताना चाहते हैं जी भाई, सर ऐसे है कि दुनिया के लिए संत रामपाल जी महाराज जेल में है, हमारे लिए जेल में नहीं है, क्योंकि वो तो एक पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी के रूप में संसार में आए हैं। क्या आप हिसार तारीख पे जाते हैं? बिल्कुल जी। क्यों जाते हो? देखो हमारा हमारा मालिक है संत रामपाल जी महाराज, पूर्ण परमात्मा है, हम उसके लिए जाते हैं। किसी का बाप अंदर हो जेल में हो, क्या उसकी तरीक पे नहीं जाएगा? वो तो एक्चुअली जाएगा, चाहे किसी साधारण व्यक्ति का भी कोई बाप जेल में हो, वो तो उसके पीछे जाएगा ही ना। तो हमारा तो बाप है, हमारा वो परमात्मा है, हम उसके लिए जेल क्या, हम तो सात समुद्र भी पार करके जाएंगे। सर आपने 2014 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तब वो अपने आश्रम में थे, आज वो जेल के अंदर है, तो सर जो लोग उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जगह जगह पर आज नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, हर जिले के अंदर हर शहर के अंदर नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, बहुत आसानी से नाम लिया जा सकता है जी। धन्यवाद। सत साहिब जी।